मध्य प्रदेश में शुक्रवार को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से कई किसानों की गेहूं और चने की फसल पूरी तरह से चौपट हुई है। शनिवार को कृषि मंत्री कंवर पटेल हरदा जिले के प्रभावित किसानों से मिले थे और खेतों में पहुंचकर खराब हुई फसलों का उन्होंने मुआयना किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को नुकसान के आकलन करने के निर्देश दिए। कंवर पटेल ने कहा कि हरदा जिले के पूर्ण संचित जिला बनाने के लिए गंजाल मोरन सिंचाई परियोजना का काम जल्द शुरू किया जाएगा। जिले को सर्व सुविधा युक्त 3 स्कूलों की सौगात भी मिलेगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी हरदा नंबर 1 जिला बन जाएगा। एक नई शिक्षा नीति आएगी। नई शिक्षा नीति में 20-25 किलोमीटर रेडियस में एक स्कूल ऐसी बनेगी जो एक आदर्श स्कूल होगी, सर्व सुविधा युक्त, जिसमें सभी विषयों के विशेषज्ञ टीचर रहेंगे। उसके लिए हरदा जिले में 3 स्कूलों का चयन किया गया है। उसमें हरदा कन्या एक उत्कृष्ट और एक विद्यालय हो रहा है। इस प्रकार 3 स्कूलों का आदर्श स्कूल बनाएंगे जिसमें हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट से भी अच्छी व्यवस्था है।